बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौफीक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं ग्वार फली और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरी तहे दिल से दुआ है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब बहन भाइयों से कि मैं आप सबकी वीडियो जो है वॉच करता हूँ और लाइक भी करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे लाइक दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बहन भाइयों। और मैं सबकी जो वीडियो है ना मैं उन सबको वीडियो को लाइक करता हूँ, सबकी वीडियो को लाइक करता हूँ। मेरी वीडियो को थोड़े बहन भाई जो है मुझे जो थोड़ा बार लाइक करते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे जो है ना रिक्वेस्ट लाइक कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे लाइक किया करें। और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, माशाल्लाह यम्मी और टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करके और बताना, और शेयर लाइक और सब्सक्राइबर करके बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके बताना प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मैंने इनके जो है ना छिलके उतार लिए हैं, ये छिलके हैं। और ये जो है एक तरफ से ये देखिए, एक तरफ इससे निकालते हैं छिलके, एक तरफ से इससे छिलके निकालते हैं। तो ये जो छिलके हैं तो अलहदा कर दिया है मैंने। और यहाँ पे जो है ना ये साफ़ है और ये कचरा है। और ये है जो अभी जो है ना अभी जो इनको साफ़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। और यहाँ पे जो है मैंने इनको कोट लिया है बीन्स को। ये बहुत ही अच्छी और यमी बनती है। मैंने बीन्स का जो है ग्वार का फली का मैं तो यहाँ पे मैं तकरीबन भरता बना लिया है। तो यहाँ पे एक 1 टीस्पून जो है मैं लहसुन का डालूँगा। और तकरीबन इनको दो से तीन मिनट इनको फ्राई करते हैं हल्की आंच पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो गया। तो अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। और दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को जो है ना फुल वॉच कीजिए और प्लीज़ मुझे लाइक दिया करें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं सबको लाइक करता हूँ, सबकी वीडियो को लाइक देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरी तहे दिल से दुआ है। तो चलिए इनको टमाटर को गलने देते हैं, फिर जो और भी मसाले हैं इसमें ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टमाटर है वो गल गया है। तो चलिए अब इसमें जो है स्पाइसी मसाले वो हम डाल रहे हैं। अभी यहाँ पे है गरम मसाला कूट, जो हमने घर पे जो है पीस के रखा है, पीस के बल्कि नहीं कूट के रखा है। हम ये घर का जो है मसाला यूज़ करते हैं, साबित मसालों को गरम साबित मसाले जो हैं गरम मसाला वो इस्तेमाल करते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और यह है सब्ज़ी मसाला हाफ टी स्पून से भी चुटकी भर, और चुटकी भर ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो चलिए इसमें जो है सारे मसाले ऐड करते हैं। अल्लाह ये जो है क्यूरी बहुत ही अच्छी यमी बनी है हमारी। जो है मसालों ने जो है टमाटर ने जो है अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो चलिए इसमें जो है ये जो है ग्वार की सब्ज़ी वो ऐड करते हैं।
ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, और आप अपने मसालों के हिसाब से बनाइएगा, टेस्टी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैंने यहाँ पे इमली जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है, अगर आपके पास इमली भी है या लीमन है, नींबू का रस है वो भी आप डाल सकते हो, पर मैंने इसमें नहीं डाला है। और आप लोग वह जो है इमली और जो है नींबू का रस वो भी आप डाल सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह देखो बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनी है, और आप लोग देख सकते हो। और नमक और जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और अपने जो मसाले हैं वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़े से हरी मिर्च और ये धनिया कुछ पत्ते हैं थोड़े से, आज मुझे मार्केट में दिख गए धनिया तो मैंने थोड़े से ले लिए, पर अभी इतने महंगे हैं धनिया तो चलिए इनको 5 मिनट के बाद इनको धीमी आंच में भूनते हैं, तो फिर इनको जो है ना फिर उतार के डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्वार जो है फली जो है वो पक्के रेडी है, तो चलिए इनको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी ग्वार की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।